प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे और उनके साउंड्स भी सुने होंगे, पर क्या आपने ढेचू ढेचू करने वाले लायन को देखा है? तो चलिए सुनते हैं स्टोरी, द डोंकी इन द लायंस स्किन। वन डे अ डोंकी was roaming on the hill. The hill was covered with green grass. Donkey ne pet bhar kar green and fresh grass khai. After eating lot of grass, donkey grass par lotne laga and he was enjoying very much. उसे बड़ा मजा आ रहा था। Suddenly, उसे लायन की स्किन पड़ी हुई मिली। लायन की स्किन पाकर the donkey became very happy and he thought, अरे वाह, लायन की स्किन, क्यों ना मैं इसे पहन लूं। इसे पहनकर तो मैं भी लायन जैसा दिखूंगा और सभी एनिमल्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और मुझसे डरेंगे भी। आफ्टर ऑल द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। सो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन दैट स्किन। जब वह लायन की स्किन को पहनकर बाहर निकला तो सारे एनिमल्स उससे डर कर दूर भागने लगे। Everyone got very scared of him. सभी एनिमल्स डर रहे थे और झुक झुक कर उसकी जय जयकार कर रहे थे। किंग की जय हो, किंग की जय हो। जल्दी ही डोंकी ने भी अपने आप को लायन समझना शुरू कर दिया और उसी तरह प्राउडली बिहेव करने लगा। डोंकी ने पहने लायन की खाल और पहन के बदली अपनी चाल। डोंकी के बिहेवियर से फॉक्स को कुछ डाउट हुआ। Listen friends, मुझे किंग लायन का बिहेवियर कुछ changed लग रहा है। आज मैंने किंग को ग्रास खाते देखा था। We have to keep a watch on the king. हमें उन पर नजर रखनी होगी, तभी जाकर माजरा समझ में आएगा। डोंकी जो लायन की तरह प्रिटेंड कर रहा था, एक दिन उसने थोड़ी दूरी पर कुछ डोंकीज को ब्रे करते हुए सुना। ब्रे करना तो डोंकी का नेचर होता है। अरे, इतने सारे डोंकीज गैदर होके ब्रे कर रहे हैं, पर इनकी आवाज तो बहुत डल डल सी लग रही है। इनसे तेज तो मैं अकेला ही ब्रेक कर सकता हूँ। When the animals heard him, उन्हें पता चल गया कि यह लायन नहीं है, लायन की स्किन में डोंकी है।
सारे एनिमल्स दौड़कर डोंकी के पास आ गए और उसकी स्किन को रिमूव कर दिया। एंड लायन की स्किन के अंदर से डोंकी बाहर निकला। सभी एनिमल्स डोंकी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और पुअर डोंकी उसे अपनी फूलिशनेस के कारण सभी एनिमल्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सो बच्चों, नेवर एक्ट एज समवन एल्स, बी योरसेल्फ। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप में अच्छे हैं।